खबर है अमृतसर की। कोतवाली थाने के अधीन पड़ते टाली साहिब बाजार में श्री आनंदपुर साहिब के कपड़ा कारोबारी से 5 लाख रुपए लूटने वाले 3 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों से लूट के 3,67,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। डीसीपी मुखविदर सिंह ने बताया कि पता लगाया जा रहा है कि आरोपितों ने शहर में अब तक कितनी लूटों को वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पकड़े गए आरोपितों की पहचान तरन तारण रोड स्थित गंडा सी कॉलोनी निवासी सिमरप्रीत सिंह उर्फ दुग्गू, हुसैनपुरा निवासी दिनेश कश्यप उर्फ काली और हुसैनपुरा की गली नंबर 8 निवासी योगेश कुमार उर्फ यीशु के रूप में बताई है। पूछताछ में आरोपितों ने स्वीकार किया कि जल्दी अमीर बनने की चाहत में उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वह नहीं जानते थे कि गली में लगे सीसीटीवी कैमरों से उनकी पहचान होगी और वह जल्द पुलिस के हत्थे चढ़ जाएंगे।